सावन का महीना था। एक दिन कान्हा जी के मन में राधा जी संग झूला झूलने की इच्छा हुई। उन्होंने सखियों से कहा। सखियों ने सोचा कितना सुंदर दृश्य होगा जब कान्हा जी राधा रानी संग झूला झूलेंगे, और उन्होंने तुरंत ही इसकी तैयारी शुरू कर दी। कान्हा जी बोले, दो झूले डालना, एक कदम्ब की डाल पर और दूसरा उसके पास ही तमाल के पेड़ पर। कदम्ब के पेड़ पर जो झूला डलेगा उस पर राधा रानी झूलेंगी, और तमाल के पेड़ पर जो झूला डलेगा उस पर मैं झूलूंगा, और फिर हम एक प्रतियोगिता रखेंगे और देखेंगे जीत किसकी हुई। ललिता जी, जो कि राधा जी की मुख्य सखी थी, वो बोली, आप तो रहने ही दीजिए, हमारी राधा रानी ही जीतेंगी। कान्हा जी बोले, ऐसा कैसे? ललिता जी बोली, देख लीजिएगा। अब क्या था, झूलन लीला शुरू हो गई। राधा जी ने झूला झूलना शुरू ही किया था कि उनका झूला हवा से बातें करने लगा, उनका नीलांबर भी उनके साथ लहराने लगा। राधा जी के गले में जो स्वर्ण हार थे, मोती हार थे, हीरो के हार थे, मुक्ता हार थे, सब राधा जी के साथ ही लहराने लगे। राधा जी के कुंडल लहराने लगे, पैरों में नूपुर नृत्य करने लगे। ऐसा लगने लगा मानो कोई सरगम बज रही है। एक बड़ा ही अद्भुत सा दृश्य बन गया। और उधर कान्हा जी को देखो, कान्हा जी बहुत ही धीमा धीमा झूलने लगे। चार कदम आगे जाते, चार कदम तक पीछे जाते। सखिया बोली, कन्हैया जी आप तो हार जाएंगे, थोड़ा तेज झूलिए। कान्हा जी बोले, मैं हारूंगा जरूर, पर सबसे अधिक आनंद मुझे ही मिलेगा। सखिया बोली, वो कैसे? कान्हा जी बोले, मैं प्रिया जी के साथ साथ ही झूल रहा हूँ, उनके नीलांबर के साथ झूल रहा हूँ, गले के हारों के साथ झूल रहा हूँ, वेनी और कुंडल के साथ साथ मैं ही झूल रहा हूँ। जब राधा रानी का झूला ऊंचे तक जाता है और राधा जी मुस्कुराती है, तो उनकी मुस्कुराहट के साथ साथ मैं झूल रहा हूँ, नुपुर की ध्वनि के साथ झूल रहा हूँ। खैर, प्रतियोगिता खत्म हो गई और जीत हार के फैसले की बारी आई। ललिता जी बोली, देखा कन्हैया जी, आप हार ही गए। कन्हैया जी मुस्कुरा के बोले, राधा प्यारी से तो मैं हमेशा ही हारना चाहता हूँ, उनकी जीत में मेरी जीत है। जीतने पर जब राधा रानी आनंद पाती हैं, तो मुझे महा आनंद मिलता है, और यही मेरी असली जीत है। तब से लेकर हर साल कान्हा जी की झूलन लीला का आयोजन किया जाता है।